तवी लीवन के तैयार हुई है। आप भी इस तरह से बनाएं और इसका प्रोसेस आगे दें। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्र रश्मि खजाना में एक अपनी दावेली बना रही हूँ। मैं अपनी रेसिपी है, मेरी अपने टिप्स हैं, अपनी तरीका है, उस तरह से बना रही हूँ। मैं महाराष्ट्रियन जो दावेली बनती है वो एक स्टफ्ड बन के साथ, बन के जो मैंने लिए हैं तो मुझे जो बन यहाँ पे अवेलेबल थे वही लिए। वहाँ पे तो बड़े वाले बन मिलते हैं तो ये मेरे पाव भाजी वाले हैं, इसमें ही बना के आपको दिखाऊंगी। मैं वेजिटेबल दाबेली बना रही हूँ, ये अपनी अलग स्टाइल है। तो उसके लिए अदरक, हरी मिर्च और ये शिमला मिर्च पतले पतले काटे हैं, और लाल शिमला मिर्च जो रेड बेल पेपर एंड ग्रीन, इसको दोनों को महीन काट लिया है। प्याज काट लिया है, गाजर है वो ग्रेट कर लिया है, हरी मिर्च है, अदरक ग्रेटेड, दो आलू छोटे हैं और ये हरी धनिया है, दो टमाटर हैं और थोड़ा सा अनार का दाना है डेकोरेट का। ये ऑप्शनल है, आप रखें या ना रखें उससे कुछ नहीं, मतलब नहीं। आपको पसंद हो तो ऊपर डालिए, वहाँ डालते हैं बहुत, वहाँ तो मसालेदार मूंगफली भी डालते हैं। ये आपका ऑप्शन है, अगर चाहें डालें, ना चाहें ना डालें। और हरी धनिया की चटनी और इमली की चटनी, खट्टी मीठी दोनों का प्रयोग होगा, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो उसको कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल है, इजी है, कोई कठिन नहीं है। ये देखिए, मैंने पैन चढ़ाया है, इसमें ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, इसमें जीरा डाल लेंगे और चाहें तो राई भी डाल सकते हैं। और इस जब चटकने लगेगा तो इसी में ये प्याज डाल देंगे। प्याज है, सारी सब्जियां डालेंगे, कोई मतलब ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। ये देखिए, प्याज को अच्छी तरह से ऐसे थोड़ा सा गुलाबी कर लेंगे, थोड़ा क्रंची रहे तभी अच्छा है। और फिर शिमला मिर्च डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, क्योंकि वेजिटेबल दाबेली बन रही हो, अदरक हरी मिर्च डाल देंगे और सबको एक साथ ही डाल डाल के अच्छी तरह से पहले भूनना है। और जब भून जाएगा तब आलू डालेंगे, क्योंकि सब्जियां कच्ची हैं, आलू बॉयल्ड है, ये टमाटर सब डाल दीजिए और अच्छी तरह से खूब भूनिए। और नमक और हल्दी थोड़ी सी, पहले स्टफिंग बन जाएगी तो फिर असेंबल करने में टाइम नहीं लगता है और जल्दी बन जाता है। और इसमें नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी, बस अब इसको ढक देंगे। देखिए मेरी सब्जियां सारी पक गई हैं अच्छी तरह से। अब इसी स्टेज पे ये 2 आलू मैश किए हैं डाल देंगे। तो इस आलू को भी अच्छी तरह से इसी के साथ खूब अच्छा गुलाबी भून लेंगे और तब इसमें मसाले कुछ डालेंगे, कोई बेसिक मसाले जैसा धनिया, भुना जीरा बस, और थोड़ा चाहे तो गरम मसाला थोड़ा सा डाल दीजिए। मैं तो बस भुना जीरा, धनिया और ज़रा सा बस गरम मसाला डालूंगी, और नहीं तो पाव भाजी मसाला डाल दीजिए थोड़ा सा, आधे चम्मच, उससे फ्लेवर खूब अच्छा आ जाता है। वेजिटेबल बन रही है इसीलिए इसमें जितनी सब्जी चाहें डाल सकती हैं आप, पत्ता गोभी हो तो पत्ता गोभी डाल सकते हैं, जो भी सब्जी आपके पास है महीन और महीन बारीक काट के डालें तो अच्छे से ये एक दूसरे में लिपट जाते हैं और बढ़िया सा एक स्टफिंग बन जाती है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और ये बन गया है तो ऊपर से हरा धनिया, देखिए मैं पूरा तैयार हो गया है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाला है। अब इसको इसी हिसाब से अच्छी तरह से, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ये हमारा अपने स्टाइल का है दाबेली मसाला, और इसमें थोड़ा सा ये पाव भाजी मसाला हल्का सा छिड़ेंगे बस, और इसी में धनिया पिसी और भुना जीरा और ऊपर से हरा धनिया बस। अब ये बन गया है एकदम का, मेरा पैन छोड़ दिया है, ये स्टफिंग रेडी है। इसको असेंबल कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, पाव को बीच से फाड़ दिया और लेकिन इसको जुड़ा रहने देंगे और हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद कैसे असेंबल करना है मैं अपने स्टाइल की जो दाबेली बना रही हूँ उसको, सिंपल एंड ईजी। ये देखिए, मैं इसको असेंबल करने जा रही हूँ तो इसके लिए मैंने ये ले लिया है, चटनी है, ये देखिए, ये मैंने ये दाबेली का मसाला ले लिया है और ये प्लेट ले ली है और ये चटनी है मीठी,
ये खट्टी और ये नमकीन सेव है, थोड़ा सा अनारदाना है और ये पाव, बड़ा पाव की चटनी है। ये देखिए, अब इसको पाव को मैंने दोनों तरफ से सेक लिया, मेरे पास यही पाव मिल पाए थे तो उसको ऐसे दबा देंगे, थोड़ा सा गड्ढा कर देंगे और इसमें ये जो एक तरफ हरी धनिया की चटनी को ऐसे लगा देंगे। हरी धनिया की चटनी लगाइए और फिर ये दाबेली का मसाला हाथ से ही भर दीजिए तो अच्छे से भर जाता है और बस। और दूसरे तरफ ये धनिया की चटनी एक तरफ और एक तरफ मीठी चटनी, ये मीठी चटनी आप एक साइड में देखिए, एक साइड में ये मीठी चटनी लगा देंगे, इससे ये हो जाता है। और उसके ऊपर आप अनारदाने लगा दीजिए थोड़े से, ऐसे खूबसूरती बढ़ जाती है। थोड़े से ये नमकीन है, भुजिया है, इसको इसके साथ ही आप कोट कर दीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा अनारदाना लगा दीजिए, ये लगा दिया तो इससे खूबसूरत हो जाता है। और सिंपल है, बहुत इजी है। ये देखिए मैंने दाबेली अपने स्टाइल से बनाई है, ये बना दी है। इसी तरह एक और बनाएंगे, आप चाहें मैं एक दिखा रही हूँ उसमें मैं चीज़ डालूंगी तो उससे और टेस्ट अच्छा आ जाएगा। ये देखिए, एक में मैंने सिंपल बनाया है, एक में मैं वो डाल रही हूँ ये चीज। तो ऐसा करिए कि हाफ चीज का या हाफ चीज स्लाइस ले लीजिए और इसमें गड्ढा बनाइए खूब ऐसे दबा के, जिससे अच्छे से मसाला फिल हो जाए। तो मसाला भर दिया और वेजिटेबल मसाला है, आलू ज़्यादा नहीं है और एक तरफ हरी धनिया की चटनी लगाया और ये जिस चीज स्लाइस लगा दीजिए इसके ऊपर। और ये जो बड़ा पाव की चटनी है वो थोड़ी सी ला दीजिए, इसमें भी डाल सकती हैं आप दूसरे वाले में भी, और ऐसे करके इसको चिपका दीजिए। तो एक ये बन गया और ऊपर से इसमें भी अनारदाना डाल दीजिए, थोड़ा सा नमकीन डाल दीजिए और इधर आप मीठी चटनी डाल दीजिए। थोड़ा सा मीठी चटनी का उसमें मैं लगाना भूल गई थी तो लगा दीजिए और ये बड़ा पाव की चटनी, उससे ये चटपटी हो जाती है। और इसी तरह से असेंबल करके खाना है, आप जिस तरह से भी खाना चाहें, आप मूंगफली डाल दीजिए, रोस्टेड चीज डालने से इसका स्वाद अलग हो जाएगा। ऐसे अनारदाने चिपका दीजिए, थोड़े से नमकीन चिपका दीजिए, इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। और इस तरह से हमारी दाबेली बन के तैयार हुई है, वेजिटेबल दाबेली। देखिए कितनी बढ़िया और सिंपल, अच्छी टेस्टी हेल्दी रेसिपी, ब्रेकफास्ट का अच्छा ऑप्शन, ब्रेकफास्ट का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं और इजी है। सुबह सुबह नाश्ते में आपको समझ में ना आए, फटाफट पाव लीजिए और जो भी सब्जी है उनको भूनिए, उसके बाद इस तरह से असेंबल करके आप सर्व करिए। बहुत ही अच्छी लाजवाब दाबेली बनती है। आप ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, ऐसे सजा दीजिए धनिया से, ये दाबेली आपकी बन के तैयार हो गई है। देखिए हमारी दाबेली, चटपटी दाबेली कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। इसको अनार के दाने और मूंगफली मैंने नहीं डाला है, आप चाहे डाल दें, नमकीन डाला है और सारे जो मिक्सचर मैंने बनाया था कितनी बढ़िया बन के। इसमें मैंने चीज़ डाला है, इसमें बिना चीज़ के बनाए, आप दोनों तरह से बना सकती हैं। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बन के तैयार हुई है दाबेली और ये मेरी अपनी स्टाइल की दाबेली है, दाबेली वेजिटेबल दाबेली। कि आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत ही आसान सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी।